बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं द रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रिएक्शन ऑफ अल्काइन में मैंने इसको वाइंड अप किया था, दैट इज़ द एडिशन रिएक्शंस रेलिवेंस विद अल्काइन। और आप जानते हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्काइन चार किस्म के हैं, यह मैं फिर कॉल कर रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर नंबर 45 जो मेरा है, दैट इज बिलोंग टू ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइन की ऑक्सीडेशन के हवाले से जो रिएक्शंस हैं वो हाइड्रोक्सीलेशन भी हैं, जिसको हम बेयर टेस्ट भी कहते हैं, कंबस्चन भी है, ओजोनोलिसिस भी है, और भी हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में वो दो रिएक्शन हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नंबर वन और नंबर टू। नंबर वन है रिएक्शन विद KMnO4, जिसको बेयर टेस्ट भी कहते हैं, KMnO4 के साथ रिएक्शन हाइड्रोक्सीलेशन, बेयर टेस्ट। और नंबर टू है जो अल्केन में भी आपने डिस्कस किया है, अल्कीन में भी किया है, दैट इज द कंबस्चन, उसको हम कंबस्चन कहते हैं। इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अल्काइन आल्सो बर्न एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये दो रिएक्शन जो हैं ये यहाँ पे हम इसको इसमें डिस्कस करेंगे। अब जानते हैं रिएक्शन विद KMnO4 जो है, दैट इज बिलोंग टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन विद KMnO4, अल्कीन में मैंने इसका मैकेनिज्म भी समझाया था, बिल्कुल सेम है क्राइटेरिया। तो KMnO4 जब भी आप लेते हैं तो KMnO4 स्टूडेंट दो किस्म का होता है। ठीक है, नंबर वन और नंबर टू, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4। ठीक है, या तो उसका एसिडिक मीडिया लेंगे या हम बेसिक मीडिया लेंगे। आपका सिलेबस ये है ये नहीं है, लेकिन मैं इसको भी बताऊंगा कि अल्काइन इस हॉट और कंसंट्रेटर KMnO4 के साथ क्या प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो कोल्ड एंड KMnO4 डाइल्यूट KMnO4 जब भी लेना है आपने स्टूडेंट, तो आपको बताया हुआ है अल्कीन में भी आपने वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, और ऊपर KMnO4 लिख देना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन विद KMnO4 और KMnO4 में कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, और उसमें हम वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे, और ये हाइड्रोक्सीलेशन है जिसके नतीजे में OH ग्रुप जो है ना वो इंट्रोड्यूस होंगे अल्काइन में। ये देखें, मुतवज्जे हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH प्लस O, और इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 लेंगे तो अल्काइन में ये दो जो पाई बॉन्ड हैं ये ब्रेक हो जाएंगे आस्ता आस्ता। पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, दो OH ग्रुप ऐड होंगे, और फिर दूसरे स्टेप में फिर वो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दो OH और ग्रुप जो है ना वो लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारे पास दो ऊपर OH लगेंगे, दो नीचे लगेंगे, चार OH ग्रुप जो है ना वो बनेंगे, और इसको हम कहेंगे टेट्राओल। ठीक है, कैसे, ये देखें, ये OH और ये OH, यहाँ पे मैं फर्ज करें ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये एक OH और ये एक OH, तो इसका मतलब ये हमारे पास डाइओल आ गया, 1,2-ethene डाइओल, इसका नाम इथीन है ये, क्योंकि डबल बॉन्ड है, 1,2-ethene डाइओल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो इसमें हम फिर ऐड करते हैं, क्योंकि आप गौर करें कि ये भी डबल एडिशन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है
वो किस में चेंज हुआ है, डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो मतवजे हों कि इसमें मज़ीद अभी हम हाइड्रोक्सीलेशन इसकी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये वाटर और ये नेसेंट ऑक्सीजन अल्कलाइन KMnO4 यानी कोल्ड एंड डल्यूट, ये KMnO4 आ गया, ठीक है। अब दो एच फिर अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ, CH ये सिंगल बॉन्ड आ गया और OH ये वो मैं लगा रहा हूँ जो पहले थे, और ये दो OH अब हमने इसमें ऐड कर दिए। तो दिस इज दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ कई शॉर्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर कि टेट्राओल कैसे बनता है, तो आपने ये दो स्टेप में यहाँ पे जाके स्टॉप कर देना कि अल्काइन इथाइन किस तरीके से वो टेट्राओल में कन्वर्ट होता है। इसका नाम देख लें, ये वन है, ये टू है, वन पे दो, तो वन वन नंबर को हम रिपीट करेंगे, वन वन टू टू, ठीक है। इथेन टेट्राओल, ठीक है। और अगर वो आपसे कहता है कि नेक्स्ट इथाइन की कन्वर्शन, ठीक है, ग्लाई एक्सल में, और ग्लाई एक्सल जो है वो डाई एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, वो देख लें। ये हमारे पास ये आ गया। अब जरा गौर करें, तो इसमें जो हमारे पास ये OH, ये H, ठीक है, ये वाटर निकल गया, और ये भी OH और ये H वाटर, यानी कि इसका मतलब फर्ज करें कि आप ये OH और ये H निकालते हैं तो क्या होगा, ये वाटर निकल गया, ये OH और ये H वाटर निकल गया, ठीक है। तो मतवजे हों, इसका मतलब टू वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, इमेजिन करें ज़रा, ठीक है। तो ये OH, ये H नहीं मैंने कहा रहा, यहाँ से H, एच ओ एच वाटर, ये एच ओ एच वाटर, तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नहीं आएगा, कार्बन OH के दरमियान सिंगल बॉन्ड आता है, तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखें। और ये हाइड्रोजन इधर लगा लें या इधर लगा लें, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो ये टू वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, और हमारे पास ये CHO बॉन्ड CHO, तो दो एल्डिहाइड जुड़े हैं, यानी ये भी CHO एल्डिहाइड है, ये भी डाई एल्डिहाइड, और इसको हम कहते हैं ग्लाई एक्सल। अगर आपसे कहता है कि वो इथाइन ग्लाई एक्सल में कैसे कन्वर्ट होता है, तो आप ये पहले बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो टेट्राओल है, इसमें से दो वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आएगा, और देखिए वैलेंसी पूरी हो रही है कैसे, एक दो दो चार, ये ऑक्सीजन की टू वैलेंसी, इस ऑक्सीजन की टू और कार्बन की फोर और ये हाइड्रोजन की वन, ठीक है। ग्लाई एक्सल के बाद लास्ट स्टेप, ठीक है, वो क्या, अभी KMnO4 पड़ा है उसके अंदर, KMnO4 की प्रेजेंस में हो रहा है, और KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो वो इसने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, दो चाहिए क्योंकि एक आपने इस H को OH बनाना है और इस H को भी OH बनाना है, ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास क्या आया, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये OH बन गया, ठीक है, और ये भी क्या है, OH, यानी O की एडिशन हो गई। और स्टूडेंट, जब भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं, ये की दे रहा हूं गौर से सुन लें, वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस भी, ठीक है, कि जब भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी जब भी एल्डिहाइड को क्या मिले, ऑक्सीजन दैट हैज बिन कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड है, ग्लाई एक्सल इज एल्डिहाइड, ठीक है, इनको ऑक्सीजन मिला, ये एसिड बन गया, दैट इज द ऑक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट, इसका नाम है ऑक्सिलिक एसिड, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, सी डबल ओ एच बॉन्ड सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच बॉन्ड सी डबल ओ एच, इसको ट्वाइस की सूरत में भी लिख सकते हैं, कैसे, ये देखें सी डबल ओ एच होल ट्वाइस ऑक्सिलिक एसिड। आप इसको मोलेकुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देख लें कैसे, इसको कंबाइन कर लें, इसको कंबाइन कर लें, या इसको कंबाइन करके लिख दें, कैसे, एच टू, ठीक है, सी टू, ये सी टू, ओ टू है, ये ओ टू है, तो बन गया ओ फोर, दिस इज ऑक्सिलिक एसिड।
तो यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें वो आपसे टेट्राहाल पूछता है तो यहाँ पर आप ब्रेक कर देंगे, अगर आपके पास ग्लाइएक्सिल पूछता है तो यहाँ ब्रेक कर देंगे, अगर आपसे कहता है कि वो ऑक्सैलिक एसिड इथाइन से कैसे बनता है एसिटाइलिन से, तो फिर आप प्रोसेस जो है ना प्रोसेस वो सारा करेंगे इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। अब स्टूडेंट ये था कि इथाइन जब मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ कि इथाइन जो है वो वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, कोल्ड एंड डल्यूट के एम एन ओ फोर की प्रेजेंस में वो 1,2-ethenediol देता है, फिर उसमें वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन जब हम ऐड करेंगे तो वो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और दो OH और लग जाएंगे तो वो बनेगा 1,1,2,2-ethane tetraol। ये 1,1,2,2-ethane tetraol जो है ये इसमें से वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? अगर ये मैं OH है यहाँ से H तो ये वाटर निकल गया, इस तरह OH और H इधर से निकल गया, आप ऊपर से OH नीचे से H लेकर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड, तो ये बना हमारे पास ग्लाइएक्सिल, ठीक है। और ये जो ग्लाइएक्सिल बना है इसमें दो ऑक्सीजन के एटम, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी उसके पास जो है ना ऑक्सीजन अवेलेबल है KMnO4 में पड़े हुए, तो एल्डिहाइड फौरन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब उनको ऑक्सीजन मिलता है, तो वो बना ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड मुख्तलिफ वालों से आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मैं करता हूँ कि अगर हम हॉट, ठीक है, हॉट इसी पोर्शन का मैंने दूसरा कहा था कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड अगर KMnO4 हम लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या लेंगे? तो उसके लिए अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये KMnO4 है, कौन सा है? हॉट है, ठीक है, और कंसंट्रेटेड है एसिडिक मीडिया में, तो क्या करेंगे हम? नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ करेंगे और साथ में H प्रोवाइड होंगे, H होंगे उसमें, तो क्या होगा कि फ़र्ज़ करें कि हम एक अल्काइन ले लेते हैं CH3 बॉन्ड C CH3, ठीक है। होता क्या है कि अब इसमें ये ऑक्सीजन जो है एसिडिक मोड में, ठीक है, ये कंसंट्रेटेड KMnO4 है, ठीक है, ये ऐसे, तो ऑक्सीजन ये सारे इस कहाँ से तोड़े गए? ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड ही टूट जाएगा उसमें, ऐसा नहीं है, उसमें वक्फे से पहले ये बॉन्ड टूटेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा नहीं टूटेगा सिग्मा बॉन्ड, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये देखें ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों बॉन्ड जब ब्रेक हो गए तो बना ये दो हिस्से बन गए, यानी ये एक, ये एक, ट्रिपल बॉन्ड टूट गया, तो इसने भी एसिड में कन्वर्ट होना है, इसने भी एसिड में कन्वर्ट होना है, कैसे? इसका रेलिवेंट एसिड बनेगा CH3, ठीक है, सी, और इसे दो यहाँ से मिलेंगे और ये एच यहाँ से यूज़ करेगा, ठीक है, इसने भी ऐसे ही यूज़ होना, तो CH3 C और डबल OH यहाँ से ले लीजिए। तो अगर फ़र्ज़ करें आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन ये आ गए, दो ऑक्सीजन ये आ गए, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। स्टूडेंट इथाइन ले लें, फ़र्ज़ करें CH ट्रिपल बॉन्ड ले लिया आपने, CH ये आपने O ऐड कर दिया, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? जो हॉट है, ठीक है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है, KMnO4, और अब एसिडिक मीडिया में है, ठीक है, एसिडिक नेचर है उसकी, ठीक है, तो क्या है ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, और जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें? HCOOH, ये भी फार्मिक एसिड बन गया, ठीक है, और ये भी क्या बन गया? फार्मिक एसिड बन गया, ठीक है, यहाँ पे चार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ से यूज़ किए उसने, एक हाइड्रोजन इसमें यूज़ किया और एक हाइड्रोजन इसमें यूज़ किया, बिल्कुल सेम जिस तरह ये CH3COOH है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर यूज़ हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर यूज़ हो गया, तो इस तरीके से जो है ना वो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट भी रहता है, दैट इज़ द कम्बस्चन। कम्बस्चन आप जानते हैं ये पॉइंट, कम्बस्चन इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अल्काइन आल्सो बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट, एंड द नेचर ऑफ दिस रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मी बिकॉज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये आपने इथाइन ले लिया, ठीक है, ये O2,
ये CO2, ये वाटर, और ये क्या निकल गया, हीट निकल गया। ठीक है, अब हमने इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखिए जरा, ये कार्बन दो है, फर्ज करें मैं दो यहां लगा देता हूं। ठीक है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन भी ठीक हो गए। ठीक है, यहां पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों साइड पे बराबर है। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, यहां पे 4 ऑक्सीजन है, यहां पे 1 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन भी है, 5 ऑक्सीजन। यहां पे हम 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब मसला आ गया। जब इस तरह की कैटेगरी आ जाए, सिचुएशन आ जाए, तो आप मेजर रिएक्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 से मल्टीप्लाई किया, ये जो नंबर है ना, आप रेज कर दें। अब 4 कार्बन, ये 4 कार्बन हो गए। ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है, ये आ गए 2। अब इसमें 6 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, ये यानी 6 नहीं है, ये 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 10। यहाँ पे 5 कर लें। ठीक है, अब देख लें बैलेंस है, 4 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 8 ऑक्सीजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन, 5 O2, 10 ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट, ये थी कंबस्चन, और ये देख लें इसकी नेचर जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट इज इवॉल्व, ये हीट इवॉल्व हो रही है। तो स्टूडेंट, इस तरह ये इसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हैं वो आपको समझाए हैं। ठीक है, और उसमें ये बताया है कि एक होते हैं KMnO4 के साथ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो आपका सिलेबस है, और दूसरे जो हैं, दैट इज़ द कंबस्शन रिएक्शन। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।